LWF क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाए और अपलोड किए जाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो सिविल सर्विस में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस में है। जो फॉरेस्ट सर्विस का के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके लिए केमिकल इंजीनियरिंग इज एन ऑप्शनल, बट सिविल सर्विस के लिए नहीं था, तो दैट वॉज कट आउट। सो देन आई हैड टू सी कि और कौन से सब्जेक्ट मैं ले सकती हूँ। सो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, बिकॉज बोथ ऑफ दोज थिंग्स इंटरेस्टेड मी अलॉट। तो फिर आई रेड द बेसिक एनसीईआरटीज ऑफ द सेम, आई रेड द बेसिक एनसीईआरटी बुक्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स। एक एक वीक तक मैंने उसके और कुछ थोड़ा और रीडिंग की उसके बारे में। उसके बाद आई वेंट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ बोथ द सब्जेक्ट्स एंड आई लुक थ्रू द सिलेबस ऑफ इट एंड फाइनली आई ज़ीरोड इन दैट सोशियोलॉजी इज समथिंग विच इंटरेस्ट्स मी मोर। तो मुझे लगता है दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एन ऑप्शनल शुड बी दैट इट शुड इंटरेस्ट यू, बिकॉज आपको मास्टर्स लेवल तक पढ़ना पड़ेगा अगर आप ह्यूमैनिटीज का लेते हैं तो। एंड तो अ डीप इंटरेस्ट हैज़ टू बी देयर इन द सब्जेक्ट। सेकेंड क्राइटेरिया कैन बी अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड बुक्स एट्सेट्रा, सो दैट शुड बी द सेकेंड क्राइटेरिया। ऐसा करके व्हेन आई ज़ीरोड इन तो आई हैड टू स्विच फ्रॉम माई ग्रेजुएशन फील्ड टू अनदर सब्जेक्ट। तो बट आई वॉज एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सोशियोलॉजी का देयर इज इनफ गाइडेंस अवेलेबल, सो दैट इज व्हाई आई वॉज एबल टू डू इट। ओके, तो मैम आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही? मतलब जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मेंस से शुरुआत करनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि पहले प्री की तैयारी कर लो, प्री निकले तो मेंस की तैयारी करें, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? क्या आपने शुरुआत से नोट्स वगैरह मेंस के हिसाब से बनाए थे, वैसे ही शुरुआत किया था? ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रेपरेशन, मुझे लगता है कि प्री और मेंस और ऐसे बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज अलग अलग करके हम प्रेपरेशन नहीं कर सकते हैं। सो इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट जब आप शुरू करें इस एग्जाम की प्रिपरेशन तो डोंट थिंक कि मैं प्री के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए पढ़ रही हूँ। आप एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन शुरू करिए, है ना। तो बेसिक है, जैसे यू स्टार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, यू स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज, डू नॉट डिवाइड योर प्रिपरेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे, क्योंकि मेन्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, उसका एक सबसेट होता है हमारा प्री का सिलेबस, लेकिन दोनों एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। बिकॉज प्री में यू हैव द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको एक चूज करना है एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव, एंड मेन्स में आपको प्रॉपरली टू पेजेस और थ्री पेजेस ऐसे करके डिटेल में आंसर लिखना है। ओरिएंटेशन ऑफ बोथ द एग्जाम्स इज डिफरेंट, लेकिन तो क्या कर सकते हैं आप, उस जो पर्टिकुलर आपका स्टेज है, जैसे प्री का स्टेज है या मेंस का स्टेज है, उसके 2-3 months पहले आप अपना कंप्लीट डेडिकेटेड उसके लिए हो सकते हैं, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन तब आप अपने प्रिपरेशन को डिवाइड ना करें। डोंट डिवाइड इट इनटू प्री और मेंस, डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। एवरी वीक आप कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप डेली, जैसे अगर आप 2-3 महीने पढ़ लिए हैं तो आप फिर डेली 1-2-3 आंसर्स भी लिख सकते हैं मेंस के लिए। तो दोनों को साथ में लेके चलिए इनिशियली। ओके मैम, मूविंग ऑन, आप जैसे 6-7, मिनिमम 6-7, वैसे तो काफी मतलब डेडिकेटेड आवर्स ऑफ स्टडी देने पड़ते हैं इस चीज के लिए, तो मैम आपकी साथ साथ में इंजीनियरिंग भी चल रही थी और आपने 2018 में ही यूपीएससी भी क्लियर कर लिया जब आप पास आउट मतलब हुए, तो आपने दोनों चीजें एक साथ कैसे मैनेज करी? ये काफी टफ रहा, बिकॉज कॉलेज में मैं थी तब, कॉलेज के लिए भी अटेंडेंस का भी एक फायदा था, यू हैव टू अटेंड। यस, आई एम फ्रॉम LNCT भोपाल एंड आई एम बीइंग इंटरव्यूड बाय पर्सन फ्रॉम RGPV यूनिवर्सिटी, सो ऑब्वियसली आई नो दैट आपको ओरिएंटेशन पता होगा हमारे यहाँ के कॉलेजेस में, तो मुझे LNCT का तो मैं पास कर, उनका एक स्टैंडर्ड ही अलग रहता, मतलब वो पहुंच जाती है मार्कशीट अगर तो मुझे वो भी साथ में देखना पड़ा। बट कैसे मैनेज किया, तो 2-3 चीजें मैं बताती हूँ। पहली चीज तो ये दैट प्रॉपर प्लानिंग, यू नो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आप प्लानिंग अच्छे से नहीं करते हैं कि हमें इतना चैप्टर्स या इतने सब्जेक्ट्स कितने दिन में या कितने महीनों में करने हैं, तो पूरा रैंडमाइज्ड हो जाता है हमारा प्रिपरेशन।
तो दैट इज वेरी फेटल फॉर आर मतलब सक्सेस. तो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अच्छे से प्लान करें. यू शुड प्लान कि हाउ मेनी, यू शुड हैव अ माइक्रो प्लान कि मैं 1 वीक में क्या कवर करने वाला हूँ. यू शुड हैव अ मैक्रो प्लान जैसे कि 1 महीने या 2 महीने में क्या करने वाला हूँ. इस तरीके के प्लानिंग पहले जरूरी है. दूसरी चीज क्या होता है, जब आप किसी और चीज के साथ जैसे आप जॉब या फिर आप कॉलेज इसके साथ प्रिपेयर करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? क्योंकि हमारे दिन का एक निश्चित समय हम कॉलेज या जॉब में देंगे. तो अब हमें ये करना है कि जो हमारा टाइम बचता है उसको हमें बेहतर से बेहतर तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, स्क्वीज आउट करना है. जैसे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे मुझे घर से कॉलेज पहुंचने में 1 घंटा करीब लगता था, 45 मिनट्स टू 1 आवर आई यूज टू टेक. तो आई मेड श्योर दैट जाते टाइम एंड आते टाइम मेरा न्यूज़पेपर रीडिंग हो जाए. सो आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर हाफ व्हाइल आई वेंट एंड रिमेनिंग एडिटोरियल्स आई यूज टू रीड व्हेन आई यूज टू कम बैक. तो ट्रैवल में मेरा न्यूज़पेपर कवर हो जाता था. ऐसा करके इन बिटवीन द क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज सम फ्री पीरियड, सम फ्री टाइम, तो उसको वेस्ट नहीं करना है. यू नो वी हैव अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो आप कॉलेज में इधर देंगे आपके लाइफ का. तो उस टाइम का एवरी मिनट एवरी सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो डिसिप्लिन थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और टाइम स्क्वीज आउट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? रूटीन बनाना पड़ेगा. एंड थर्ड थिंग, जैसे मैं आती हूँ, रूटीन मेकिंग अ प्लान फॉर द डे इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा कहती हूँ और फिर से कहूंगी, डू नॉट स्लीप विदाउट मेकिंग अ प्लान फॉर टुमारो. वॉट वी डू इज दैट हम उठते हैं एंड देन वी डिसाइड कि चलो देखते हैं आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ने का मन कर रहा है. वैसा बिल्कुल भी नहीं करना. बिफोर योर स्लीपिंग एक छोटे से पेज पे आई यूज टू जस्ट राइट डाउन दैट, यू नो, इतने से इतने टाइम तक आई डू दिस, इतने से इतने टाइम तक आई डू दैट. एंड उसके बाद ही आप, यू नो, देन ओनली देन यू स्लीप. तो दूसरे दिन जब आप उठते हैं, यू हैव अ रेडी नोट टू डू लिस्ट कि मुझे आज कैसे आई हैव टू मूव अबाउट. तो आपका जो मूड और स्विंग्स और ये सारी चीजें, दे डोंट टेक ओवर. दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो प्लानिंग इन एडवांस, टाइम मैनेजमेंट, एंड थर्ड अगेन रूटीनाइजिंग योर एंटायर डे. ओके मैम, ऑडियंस से क्वेश्चन था मैम कि क्या बोलते हैं, आपने द हिंदू न्यूज़पेपर तो रीड किया होगा, तो वो किस यस, तरीके से करें? ओके यस. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये काफी हमको शुरू यस में मैम, बहुत ये डाउट ऑडियंस रहता है का कि काफी कैसे रिस्पॉन्स आया। कैसे, हाउ डू वी मूव अबाउट बाय इट. पहले तो मैं एकदम शुरू से बताती हूँ. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू, आपको सच में शुरू में यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ सेंस आउट ऑफ इट. इवन इफ एंटायर ऑफ योर एजुकेशन हैज बिन इन इंग्लिश मीडियम, दैट इज देयर बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दैट आर यूज समटाइम्स. तो शुरू में हैव पेशेंस, दैट्स द फर्स्ट आई विल से. हैव पेशेंस, यू विल गेट टू नो. धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो. फोकस ऑल्सो ऑन द एडिटोरियल पार्ट, राइट? क्योंकि जो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, जो इश्यूज के अराउंड कमेंट्स या ओपिनियंस होते हैं, वो ज्यादातर आपको एडिटोरियल्स में मिलेंगे, राइट? तो फोकस ऑन द एडिटोरियल्स. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल्स, यू विल फाइंड दैट कुछ वर्ड्स हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, नहीं समझ में आ रहे. तो आई यूज टू टेक अ डिक्शनरी, वहीं पे खोल लिया मोबाइल में. यू कैन डाउनलोड अ ऐप, वहीं पे यू शुड सी, राइट इट डाउन देन एंड देयर कि एग्जैक्टली इसका क्या मीनिंग है. चांसेस आर दैट अगेन आप फिर से यू'ड कम अक्रॉस द सेम वर्ड इन डेज टू कम. तो ऐसा करके धीरे धीरे अपना वोकैब डेवलप करो. दिस इज अबाउट स्टार्टिंग टू रीड. नाउ व्हेन यू डू न्यूज़पेपर रीडिंग, आई पर्सनली यूज टू मेक माई नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर. वी हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज ऑनलाइन जहाँ पे यू विल गेट की पूरे नोट्स का हमें सब मिल जाता है न्यूज़पेपर का. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता था दैट इफ आई राइट डाउन समथिंग विथ माई ओन हैंड्स, तो वो एक बार मेरा माइंड प्रोसेस कर लेता है, तो आई कैन रिमेम्बर दैट बेटर. तो मैं क्या करती थी कि न्यूज़पेपर का एटलीस्ट एडिटोरियल सेक्शन को मैं उसके थोड़े नोट्स बना लेती थी इफ आई फाउंड कि वो इशू या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो जैसे अभी कोविड है, उससे रिलेटेड कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट पे या वैक्सीन पे, बायोटेक पे, देयर सम गुड ओपिनियन, गुड आर्ग्यूमेंट यू फाइंड न्यूज़पेपर में, तो यू शुड राइट इट डाउन इन योर कॉपी सेपरेटली. वंस यू राइट इट, उससे थोड़ा आपका रिमेम्बरिंग और उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है. इनिशियली एक और जब आप रीडिंग करेंगे न्यूज़पेपर की, तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, यू विल टेक अराउंड 2 to 3 hours. तो आपको लगेगा कि इतना टाइम तो मेरा न्यूज़पेपर में ही जा रहा है, अब मैं आगे और क्या पढ़ूंगा पढ़ूंगी. मैम तो फिर लगता है आई विल से कि
ऐसा लगता है कि 2 to 3 hours तो मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग में ही जा रहा है, और इसके यस बाद अगर अपन उसको राइट डाउन भी करेंगे तो हाँ, मतलब जितने दिन के और टाइम स्टडी चला आवर्स अपन जाएगा। निकाल के रखे हैं वो पूरे करेक्ट केवल करेक्ट न्यूज़पेपर में। यस। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि शुरू में तो यू विल टेक टाइम, तो जस्ट कीप रीडिंग इट एंड कोई समरी पढ़ लो न्यूज़पेपर की ऑनलाइन। धीरे धीरे जब आप पकड़ बना लोगे न्यूज़पेपर में, तो अराउंड 45 मिनट्स तक आप कंप्लीट कर लोगे। 45 मिनट्स to 1 hour में यू विल बी एबल टू कंप्लीट द रीडिंग पार्ट। साथ साथ में यू कैन जॉट डाउन। आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीट आपको आर्टिकल का बिल्कुल कॉपी करके वर्ड टू वर्ड लिखना है, नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट, कोई अच्छा डेटा, कोई फैक्ट, कोई कंपैरिजन, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट, ऐसी कोई चीज अगर आपको उस आर्टिकल में या न्यूज आर्टिकल में मिलती है या उस एडिटोरियल में मिलती है, उसको आप नोट डाउन कर लो। एंड दैट यू शुड कीप इन योर कॉपी, कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट, राइट? तो सारी चीज नोट डाउन नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स नोट डाउन करने हैं, एंड धीरे धीरे योर स्पीड विल इम्प्रूव। इसको ना करने के लिए कोई भी चीज को टाइम जब आप करते हो तो ये हर बार आएगी। न्यूज़पेपर रीडिंग में टाइम का इशू आएगा। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, आप लिख नहीं पाएंगे आंसर्स 10 मिनट में। पहले आप आधा घंटा 1 घंटा लेंगे एक आंसर के लिए, मैं भी लेती थी। तो धीरे क्या करो, एक स्टॉप वॉच रख लो, टाइम रख लो कि नहीं मैं इतने घंटे में मुझे खत्म करना ही है। बार बार उसको देखते रहो, तो धीरे धीरे यू विल गेट इन टू अ साइकिल। जब आप 1 to 1.5 hour में कंप्लीट कर पाओगे विद जॉटिंग डाउन, तो दैट यू विल डेवलप ओवर टाइम। ओके मैम, तो जैसे अपन इतनी पढ़ाई करते हैं और आपने तो कॉलेज भी साथ साथ में मैनेज किया है, तो मेंटल स्ट्रेस तो मतलब थोड़े कुछ लेवल तक तो होता ही होगा, तो आपके लिए किसी चीज ने स्ट्रेस बस्टर, स्ट्रेस रिलीफ काइंड ऑफ वर्क किया हो? एब्सोल्युटली। सी, स्ट्रेस इज समथिंग विच वी थिंक कि बहुत मेरे मुझे बहुत डिफरेंट हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ ये प्रेशर, आई एम अलोन और मैं बहुत लोनली हूँ, इस तरीके के थॉट्स आते हैं व्हेन यू प्रिपेयर। बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा आउटबाउंड नहीं रहते हैं अगर काफी, और आजकल आप सभी घर में ही हैं, यू नॉट गोइंग आउट ऑल्सो, तो यू माइट बी फीलिंग दैट प्रेशर। सो येस, दैट स्ट्रेस विल बी देयर, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन। लेकिन डोंट लेट इट गो इन टू योर हेड। आई मीन अंडरस्टैंड, मेक पीस विद इट कि हाँ स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा प्रेशर होना जरूरी भी है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि स्ट्रेस की वजह से आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, ये लेवल नहीं जाना चाहिए। सो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड सम आई यूज टू डू सम योगा मॉर्निंग में, सुबह उठ के थोड़ा योगा प्राणायाम कर लिया। शाम को आई यूज टू डू सम 5 10 15 मिनट्स मेडिटेशन। मेडिटेशन मीनिंग जस्ट सिट डाउन, क्लोज योर आईज, लिसन टू योर ब्रेथ, सी हाउ योर ब्रीदिंग, जस्ट काम डाउन योर थॉट्स, राइट? एंड वेन यू स्लीप बिफोर दैट, आई बिलीव जो हमारा स्लीपिंग टाइम है वो हमारे पूरे दिन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू स्लीप वेल एट नाइट फॉर 7 hours 8 hours, यू विल बी एबल टू डू योर प्रेपरेशन द नेक्स्ट डे विथ मच मोर एनर्जी, राइट? सो बिफोर आई यूज टू स्लीप, आई यूज टू लिसन टू सम काम म्यूजिक, सम सूदिंग म्यूजिक। सो आई यूज टू फील अ बिट काम कि चलो एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच प्रेशर। सो फाइंड आउट दोज थिंग्स फॉर यू, दोज हैक्स फॉर यू, क्या आपके लिए वर्क करता है। डज म्यूजिक वर्क फॉर यू, डज योगा वर्क फॉर यू, डज टॉकिंग टू योर फ्रेंड वर्क फॉर यू? यू शुड हैव सम ऑफ 3 4 थिंग्स हैंडी जो आप बहुत ज्यादा व्हेन यू गेट स्ट्रेस्ड अप यू शुड बी एबल टू रिसॉर्ट टू। दीज थिंग्स विल हेल्प यू, यू नो। एंड आई थिंक ये बहुत पर्सनल चीज है, सबका अपना अपना कुछ होगा विच वुड मेक देम फील लाइट एंड विच वुड गिव देम मोर एनर्जी। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट फॉर योर सेल्फ एंड कीप डूइंग इट एवरी डे। वही मैम, अधिकतर बच्चे तो इसका अपोजिट करते हैं मुझे लगता है, मतलब जैसे अगर उनको आवर्स बढ़ाने रहते हैं स्टडी के तो वो अपने स्लीप आवर्स में से कट डाउन करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में, तो अगर हम नहीं, कम स्लीप, सोएंगे देखो, तो इसलिए आई ऑलवेज से कि स्लीप इज समथिंग विच विल रेगुलेट द एनर्जी ऑफ योर एंटायर डे। एंड स्पेशली बिकॉज आई एम सेइंग दिस क्योंकि फिजिकल वर्क अगर हो हमें करने के लिए, तो अगर कहीं बाहर जाना हो एंड ऑल, तो दैट वील डू इवन इफ वी आर लेस ऑन स्लीप। बट आवर वर्क इज रीडिंग, आवर वर्क इज अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आवर वर्क इज रिमेम्बरिंग थिंग्स। दिस इज ऑल थिंग्स विच नीड योर माइंड टू बी रिलैक्स्ड एंड प्रॉपरली स्लेप्ट। सो 7 hours बिल्कुल अलग निकाल दीजिए, एंड बाकी का जो आपके पास टाइम है, दोज आवर्स आर सफिशेंट, यू कैन डिवाइड देम एंड स्टडी प्रॉपरली। ओके मैम, आपके ट्रेनिंग पीरियड में आपका एक्सपीरियंस, योर एक्सपीरियंस एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? Yes, incidentally, when I'm doing this session on 25th of August 2020, complete 1 year हो रहा है मुझे। This year, मतलब this day last year, I was in Mussoorie and this was my first day
at the academy. So this day is very special. And if I am to share my experience, it was really nice. Jitna changes I experienced during UPSC preparation, those things I could really live in the academy. I met so many good people, made friends, and itself the place is very beautiful. Academy is very nice. I had a lovely time, and it really makes me go back, think that how my parents had come. Sab aaye the mujhe chhodne ke liye, mera bhai, mere parents, all the way to Mussoorie, and I was going there. I had those doubts in my mind, kaise kar paungi, how will I able to live, because I was moving out of home for the first time. Lekin all my friends, the teachers, the faculty members, all of them made it really nice, and I had a lovely time. So definitely, if you all have a dream there, so I would say it's a lovely place, and it's all your hard work is definitely worth it. आपका वो वीडियो भी देखा था मैंने मैम, जिसमें 58 नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे 2019 में. यस, वो काफी सिग्निफिकेंट इसलिए रहा है बिकॉज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन मेड इट टू द सर्विस दिस टाइम, दैट इज 58. एंड सो वी वांटेड टू मार्क दैट एंड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एंड टू एवरीवन दैट दिस इज वेयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ विमेन गॉट इनटू द सर्विस. It speaks volumes about how things are changing, and more women are willing to give this exam or to get into the career of civil service. So, it's a very welcoming point. And इसीलिए we thought कि हमें इसको एक थोड़ा memorable बनाना चाहिए, and that's why we went on with the idea of the video. तो मैम, आपने आपके preparation period में मतलब काफी distractions होते हैं, जैसे ऐसा लगता है bank की field में भी चले जा सकते हैं. एमपीपीएससी कर लेते हैं वो शायद थोड़ा इजी पड़े, मतलब तो इन सब डिस्ट्रेक्शन को कैसे अवॉइड किया कि नहीं मेरा यही टारगेट है, मुझे यही करना है. और ऐसा भी होता है कि मैम शुरुआत में हम एक बुक उठाते हैं, ऐसा लगता है काफी पढ़ लेंगे, पर फिर वो एक बुक में इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर बाकी जितना स्टडी मटेरियल रहता है वो साइड का साइड में ही रह जाता है. तो आपने सब चीजों को मतलब, यस, यू आर आस्किंग टू क्वेश्चंस, दो मैं बाइफर्केट करके आंसर करती हूँ. पहली चीज तो ये है दैट आर वी फोकसिंग ऑन यूपीएससी और आर वी चूजिंग एनी अदर एग्जाम. सी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सारे लोग, यू नो, ऑल ऑफ यू शुड बी गिविंग यूपीएससी. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम जस्ट सेइंग दैट यू शुड नो कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आर यू एक्सपेक्टिंग. जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम केवल यू नो द सर्विस एंड जो हमें चीजें दिखती हैं बाहर, हम उसी को ध्यान में रखते हैं. बट अंडरस्टैंड द लाइफ, अंडरस्टैंड द करियर, अंडरस्टैंड द प्रोफेशन विच यू आर गेटिंग इन टू, द वर्किंग आवर्स विच यू विल हैव टू पुट, है ना. यू विल ऑल्सो हैव टू सी दैट हाउ विल योर लाइफ बी लेटर ऑन. And once you are through that, once you know that, you know, this is it, then you shouldn't switch. At least one attempt of that exam, which, and when I say attempt, jab main attempt kehti hu to main keval ye nahi keh rahi hu ki jaake aapne exam de di, wo attempt nahi hai. Attempt wo hai jab aap completely aapne apna 100% us exam ko diya hai, aur jab aap bahar aate ho to you are like ki I have given my 100%, ab jo bhi result aata hai I will see. जब तक आप 100% अपना नहीं देते हैं, जब तक आप सारी चीजें पढ़ के और वट एवर एफर्ट दैट यू कैन गिव, जब तक आप नहीं देते हैं, आई वुड नॉट कॉल इट एज एन अटेम्प्ट. तो एक अच्छे से अच्छा पूरा प्रिपरेशन करें उसके लिए, कीप दैट वन गोल, फिर उसके बाद स्विच ना करें. सेकेंड पार्ट विच यू आस्क्ड मी दैट वी ओपन अ बुक एंड देन वी आर लाइक बोर्ड, कि पढ़ लिया 10 पेज 15 पेज एंड देन वी आर लाइक कि वी वॉन्ट टू स्विच, दिस थिंग्स हैपन. सो वॉट आई यूज्ड टू डू, कि एक दिन में I used to keep two subjects because ek subject kafi boring ho jata hai. So for example, if I'm reading history in the morning, I'll read polity in the evening. And uska bhi bahut ekdam random nahi rakhna hai that chaliye I'll just start reading history today. No, have in your mind that agar main medieval history padh rahi hu ya ancient history padh raha hu, to main kaun se chapter, agar chapter bahut bada hai तो मैं उसके कितने पेजेस क्या कर रही हूँ. इतना माइक्रो प्लानिंग मैं करती थी दैट 15-20 पेजेस आई एम गोइंग टू रीड टुडे. सो मेरा एक टारगेट सेट हो जाता है, एंड व्हेन आई हैव अ टारगेट रैंडमनेस कम हो जाती है.
यू आर यू डोंट आप अपने को छोड़ते नहीं हो कि खुला कि जो मन में है जब मूड जितना बने उतना पढ़ेंगे, वो नहीं होता है. तो हैव अ टारगेट कि कितना नंबर ऑफ पेजेस यू आर गोइंग टू रीड एंड उतना माइक्रो प्लानिंग करेंगे तो चांसेस आर लेस दैट यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड ऑल्सो हैव अनदर सब्जेक्ट इन द डे. समटाइम्स वन सब्जेक्ट इज वेरी बोरिंग टू स्टडी द होल डे. सो इफ यू हैव टू सब्जेक्ट्स उसमें बीच में करंट अफेयर्स पढ़ लिया या बीच में थोड़े पांच एक सवाल लगा लिया. आजकल ऑनलाइन इतनी वेबसाइट्स हैं उस पे दे कीप गिविंग यू डेली क्विजेज एंड ऑल. तो ब्रेक के लिए यू कैन गिव अ डेली क्विज और समथिंग लाइक दैट. ऐसे करके पूरा डे प्लान करो दैट योर माइंड एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दी प्रिपरेशन एंड रीडिंग. ओके मैम. मैम जैसे देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मतलब उतने फाइनेंशियली एबल्ड नहीं रहते हैं कि वो डेली जाके कोचिंग कर सकें, या फिर वो मतलब जैसे रिसोर्सेस उनके पास इतने नहीं रहते हैं, तो उनके लिए आपकी कोई मतलब सलाह? यस ऑब्वियसली दिल्ली जाना इज अ वेरी बिग थिंग. इट वॉज फॉर मी ऑल्सो नॉट ओनली बिकॉज मैं प्रिपेयर मतलब मैं कॉलेज कर रही थी बट ऑल्सो फाइनेंशियली. आई थिंक अगर मैं ग्रेजुएशन के बाद भी सोचती तो आई वुड हैव बीन थिंकिंग ओनली कि मैं दिल्ली जा सकती हूँ या नहीं जा सकती हूँ. द लकी पार्ट इज दैट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज. वी हैव अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स. वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट विच इज देयर ऑन यूट्यूब एंड अदर वेबसाइट्स जिसका हम यू नो एडवांटेज ले सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो टू दिल्ली. दिस इज नॉट मतलब ये दिमाग में मत सोचो कि दिल्ली जाके ही मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी या हो पाऊंगा. आई वेंट टू दिल्ली फॉर माई मॉक इंटरव्यू वेन आई वॉज गोइंग टू गिव द यूपीएससी इंटरव्यूज के कुछ दिनों पहले आई वेंट टू दिल्ली टू गिव द मॉक इंटरव्यूज. सो इट इज पॉसिबल फ्रॉम योर होम. लेकिन फॉर दैट मेंटेनिंग अ प्रॉपर प्लान, मेंटेनिंग अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन योर लाइफ एंड प्रिपेयरिंग ऑन द राइट ट्रैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन यू टेक अ क्लास और अ कोचिंग व्हाट हैपेंस इज यू गेट अ प्रॉपर गाइडेंस. थोड़ा सा एक दे गिव यू अ डायरेक्शन. देखो अल्टीमेटली पढ़ाई आपको ही करनी है लेकिन दे गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ डायरेक्शन एंड गाइडेंस. अगर वो डायरेक्शन और गाइडेंस और डिसिप्लिन आप खुद डेवलप कर सकते हो तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है. सो आई वुड से राइट वेबसाइट्स जो है. और मैंने भी यूट्यूब पे आई हैव अ लॉट ऑफ वीडियोस वेयर आई हैव पुट अप की कौन से वेबसाइट्स आई हैव रेफर्ड दिस दैट. यू कैन सी देम और पर्टिकुलर उन वेबसाइट्स को रिलीजियसली फॉलो करो. अपना खुद का भी स्ट्रैटेजी बनाओ एंड देन प्रिपेयर करो. सो इट इज पॉसिबल ऑल्सो फ्रॉम योर होम टाउन वेर एवर यू आर. नॉर्मली क्या होता आई हेलो. इंटरनेट सही नहीं था. आई कुडंट हियर यू. ओके मैम. मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि काफी बच्चे जैसे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तो काफी है, पर जैसे यूट्यूब पे अगर स्टडी मटेरियल सर्च करते हैं या फिर अगर गूगल भी करते हैं तो थोड़ी देर पढ़ते हैं, उसके बाद सोशल साइट्स फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर मतलब अदर वीडियोस मतलब उस पर डिस्ट्रेक्टेड हो जाते हैं, और फिर पढ़ते आधा घंटा है और मोबाइल चलाते हैं 5 घंटे. तो उससे कुछ जैसे आपने तो सोशल मीडिया यस शायद तब तक ज्वाइन ही नहीं किया था. यस तो आपको मैं बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने आज ही मैं वाज सीइंग दैट. सो आई ओपन माय अकाउंट ऑन 23rd of April 2019 राइट व्हिच इज लाइक 2-3 वीक्स आफ्टर माय बिफोर रिजल्ट टुडे. राइट. अच्छा. सो आई दिस इज नॉट सेइंग दैट सिंस यू आर ऑल्सो हियरिंग मी हियर फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. दिस इज नॉट सेइंग लीव इट. दिस इज जस्ट टेल यू दैट यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. ओके और पुट अ टाइम लिमिट ऑन इट और मेक श्योर दैट यू विल ब्राउज दी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ओनली 1 आवर इन अ डे. ऐसा करके कुछ लिमिट रखना पड़ेगा राइट. बिकॉज इफ यू गो इफ यू स्टार्ट कोई वीडियो मेरे साथ भी होता था. आई एम सीइंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब ऑफ एनी ऑफ किसी का भी किसी चैनल का. आई एम सीइंग सडनली आई विल मूव ऑन टू सम गुड रिकमेंडेशन एंड स्टार्ट वॉचिंग दैट. वो होता है तो मेक श्योर दैट वो थोड़ा डिसिप्लिन यू विल हैव टू डेवलप दैट यू आर नॉट गोइंग टू सी दोज वेबसाइट्स अंटिल एंड अनलेस कोई टाइम डिसाइड कर लो दैट 8 to 9 PM और दिस टू दिस टाइम आई विल डू दैट.
फिर सिर्फ वही आप चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. डाल लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करो. डोंट यू नो डोंट वंडर. देखो सारी चीजें बॉइल डाउन टू दिस वन थिंग, दैट कितना कितना इंटेंसिटी के साथ आप अपना वो गोल या ड्रीम अचीव करना चाहते हैं. सी देर आर सो मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, नॉट जस्ट यूपीएससी, एनी एग्जाम इन योर लाइफ विच यू आर गिविंग. देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, हु एस्पायर टू बी देयर, बट ओनली एस्पिरेशन, ओनली ड्रीमिंग, ओनली डिसाइडिंग अ गोल इज नॉट इनफ. जितना बड़ा आपका गोल है, जितना ह्यूज योर थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू गो थ्रू, उतना ही बड़ा आपका हार्डवर्क होना पड़ेगा, उतने ही ज्यादा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे. एंड इन दैट हैव अ कॉम्पिटिटिव अप्रोच. थिंक कि इफ आई विल वेस्ट माई 1 आवर, 1 मिनट, 1 डे इन ब्राउजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट, इमेजिन हाउ मच माई अदर पर्सन, द अदर पर्सन हु आई एम कम्पीटिंग विद इज प्रिपेयरिंग दैट टाइम, राइट? हैव दैट पर्सपेक्टिव दैट समवन आउट देयर राइट नाउ इज स्टडीइंग अ बुक, इज कम्प्लीटिंग द चैप्टर. एम आई यूजिंग माई टाइम प्रोडक्टिवली? एम आई गिविंग माई 100%? विल आई बी एबल टू, जब क्या मैं रात को सोते समय खुद को बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी दैट आई हैव 100% यूज माई टाइम टूडे, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई प्रिपरेशन. इफ यू कैन से दैट, वेरी गुड. बट इफ यू कैन नॉट, देन यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम और एनीथिंग. यू नो जो इनर रिजॉल्व है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, वाई डू यू वॉन्ट टू अचीव इट, हाउ मच विथ इंटेंसिटी यू वॉन्ट टू डू इट, दैट रिजॉल्व इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर वो रिजॉल्व आप अच्छा कर लोगे, इफ यू हैव दैट इन योर माइंड, देन ऑल ऑफ दीज डिस्ट्रैक्शंस, एवरीथिंग, इसका इम्पैक्ट विल डेफिनेटली रिड्यूस. ओके मैम. मैम हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहती है? क्योंकि काफी हिंदी मीडियम बच्चे मतलब जो रहते हैं वो कहते हैं कि जितने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है उतनी हमको नहीं रहती है. ठीक है, आई टेल यू वन थिंग. इसमें एक चीज है दैट वंस यू आर राइटिंग द एग्जाम, राइट, बी अश्योर्ड दैट उसमें कोई अलग नहीं है दैट इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम. इफ यू आर राइटिंग सब्सटैंशियल आंसर इन हिंदी, इन एनी लैंग्वेज, इन इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि उसमें मार्किंग में किसी में इशू होगा. दैट इज नॉट एन इशू, दैट यू बी अश्योर्ड, दैट इज वन थिंग. लेकिन सेकेंड थिंग अब ये आता है दैट होता क्या है आजकल दैट जितना भी ऑनलाइन मटेरियल का प्रोलिफरेशन हुआ है, जो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है मटेरियल की, ज्यादातर हमको वो मटेरियल इंग्लिश में मिलता है. सो वहां पे इशू आ जाता है, जो अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल मुझे लगता है वो एक इशू आ जाता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़ा सा यू नो प्रिपरेशन में उनको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है. बस वो वाला जो चीज है, आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग. आई वोंट से उसके अलावा ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी. आई वुड ओनली से कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल का इशू हो सकता है, लेकिन आई हैव पीपल, आई हैव बैचमेट्स, जैसे देर इज दिलखुश मीना, ही इज डूइंग वेरी वेल इन दिल्ली राइट नाउ, ही इज इन प्रोबेशन एंड ही रोट हिज एग्जाम फ्रॉम हिंदी मीडियम. तो ही ऑल्सो आई शेयर द स्ट्रेटजी ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आपको मिल जाएगी. और यू कुड ऑल्सो उसका लिंक मैं आपको कहीं से देके, आई मीन वी कुड शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ द पीपल हु वांट टू नो कि कैसे हिंदी मीडियम वालों को प्रिपेयर करना चाहिए. वी विल शेयर दैट लिंक. आई थिंक इक्वल प्लेइंग फील्ड इज देयर एज लॉन्ग एज प्रॉपर मटेरियल इज अवेलेबल, दैट यू बी अश्योर्ड. और उसका स्ट्रैटेजी आई विल शेयर. आई थिंक मैं इतना, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिया है, तो मैं कॉम्पिटेंट इनफ नहीं हूँ कि मैं आपको उसका बता पाऊँ, तो उनकी स्ट्रैटेजी आई विल शेयर विद यू. ओके मैम. ऑडियंस में से मैं क्वेश्चन है कि आपकी जो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट सेपरेट, वो सोशियोलॉजी की बुक लिस्ट, यस मैम, आई मतलब हैव जिन बच्चों ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है उनके लिए बुक लिस्ट. यस, आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन माय पर्सनल चैनल व्हिच इज सृष्टि देशमुख. यू कैन सर्च फॉर दैट. एंड मेरा एक सेपरेट वीडियो है सोशियोलॉजी बुक लिस्ट for UPSC, something like that, it's titled. And jitna bhi books I have used, whatever resources I have used, all of that I have covered in it. So you can go to that and refer to it. Okay ma'am. Ma'am, women empowerment pe aapka take, jaise maine aapka ek post dekha tha ma'am, to wo aapne like kiya tha. To usme ye tha ki agar ladkiyan independent rahe aur apne kaam matlab pura jo kare, jo karna chahti wo kare, तो उन्हें yes. रिबेलियस कहा जाता है, ना कि रिबेल, मतलब उन्हें विद्रोही कह के पुकारते हैं लोग, ना कि बागी. इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आपने लाइक भी किया था ये पोस्ट. यस यस, मुझे ऐसा लगता है दैट जो एक प्रेडोमिनेंट
हमारी इंडियन सोसाइटी में, और क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ा एंड व्हेन आई रेड अबाउट इट एंड आल्सो आई रेड अदर आर्टिकल्स हाउ इट्स गोइंग इन द कंट्री, मुझे लगता है एक प्रिडोमिनेंट फीलिंग ये है दैट इफ अ वुमेन इज यू नो सैक्रिफाइसिंग और इफ अ वुमेन इज डूइंग वर्क एट होम और समथिंग लाइक दैट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द यूजुअल बिहेवियर फॉर वुमेन. तो इफ यू स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट, मीनिंग इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इफ यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस इन योर फैमिली और फॉर अदर पीपल, थोड़ा सा पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू नो दिस इज गोइंग आउट ऑफ लीग. सो ऑब्वियसली दैट बिहेवियर इज सीन एज रिबेलियस इन आर सोसाइटी. लेकिन आई थिंक ये चीजें अब चेंज हो रही हैं. इवन इन माई ओन फैमिली आई थिंक धीरे धीरे व्हेन आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट आई एम गेटिंग पावर टू मेक माई ओन डिसीजंस एंड दैट हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द करियर और एवरीथिंग. सो मैं यही कहूंगी सबको दैट ऑल द वेमेन आउट देयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक योर ओन करियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली एंड इवन इफ यू आर कॉल्ड रिबेलियस फॉर दैट, अगर आपको विद्रोही करें कहें घर पे तो आप बिल्कुल विद्रोही बनिए, थोड़े समय के लिए विद्रोही बनिए. लेकिन इफ यू आर एबल टू अचीव योर ड्रीम, इफ यू आर एबल टू बिकम इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप जितना कॉन्फिडेंट फील करेंगी, दैट फीलिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड दैट इज समथिंग जिसकी जरूरत आज हमारे कंट्री को ऐसे ही वुमेन की है. तो दैट इज समथिंग, दैट इज माई टेक दैट ऑल ऑफ द वुमेन शुड वर्क हार्ड टू अचीव व्हाटएवर दे वांट टू एंड डू नॉट स्टॉप एट हाउ द सोसाइटी परसीव यू कि लोग क्या कहते हैं, इस पे ना रुके, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड अचीव द प्लेस दैट यू हैव टू. आपका मैम, मैंने एक वीडियो भी मतलब एक इंटरव्यू और देखा था, उसमें भी आपने कहा था कि वुमेन एम्पावरमेंट आपके हिसाब से उतना मतलब एकदम सही वर्ड नहीं है, वो इस टाइप का कुछ होता है कि मतलब हम मौका दे रहे हैं, मतलब जो मैस्कुलाइन लोग हैं मतलब मेंस मौका दे रहे हैं वुमेन को, एम्पावरमेंट की जगह आपने शायद कोई वो वर्ड याद नहीं आ रहा, आपने कोई और वर्ड यूज किया था, तो राइट, ये भी ऑब्वियसली मतलब मतलब यू नो जब हम कहते हैं कि हमें विमेन को एम्पावर करना चाहिए, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी विमेन एम्पावर्ड नहीं है, अभी विमेन नहीं। वीक है ना, ये बात है. तो इस अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को ही हमें थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा. आई थिंक विमेन आर वेरी केपेबल, वी जस्ट डोंट नो दैट हाउ मच वी आर. मे बी हर चीज में हमें कभी डिसीजन लेने का मौका नहीं मिला, या वी डिडंट गो टू द फील्ड फाइंड आउट फॉर आर ओन सेल्फ की चीजें कैसे होती हैं, हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, बार बार हम एक ही तरह के काम करने में व्यस्त हैं. तो शायद उस वजह से हम खुद का कॉन्फिडेंस, खुद के डिसीजन मेकिंग पावर और खुद के फ्रीडम पे हम खुद ही रोक लगा देते हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउट, यू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन. इट डज नॉट मैटर हाउ यू लुक, इट डज नॉट मैटर वॉट पीपल से, वॉट मैटर्स द मोस्ट इज योर ओन इंटरनल कॉन्फिडेंस, वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ एंड हाउ प्राउड ऑफ यू आर अबाउट यू, राइट. तो एम्पावर खुद को करना है बिकॉज यू ऑलरेडी आर दैट, हम ऑलरेडी इक्वल हैं, हमें बस वो एक रियलाइजेशन नहीं हो पाता है. एंड वो हमें वो कब होगा, जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, जब आप खुद के डिसीजंस ले पाएंगी, वो फीलिंग आप एंजॉय कर पाएंगी. इसलिए बार बार मैं ये कहती हूँ दैट प्लीज इट्स नॉट अबाउट स्टडीइंग. आई मीन कोई फैशन डिजाइनर बनना चाहेगा, कोई और कुछ बनना चाहेगा, यू वॉन्ट टू बी अ टीचर, यू 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 माइट वॉन्ट टू बी एनी थिंग, अचीव दैट इन योर लाइफ, अचीव दैट गोल, बी इंडिपेंडेंट एंड देन सी यू विल बी इवन मोर कॉन्फिडेंट देन यू आर. एंड जब एक महिला, एक लड़की, एक वुमेन कॉन्फिडेंट होती है, तो मुझे लगता है 10 अदर ऑल्सो वुमेन सीइंग हर बिकम कॉन्फिडेंट, दे रियलाइज देयर ओन पोटेंशियल. सो प्लीज मोटिवेट अदर्स ऑल्सो एंड दैट्स माई होल थिंग. मैम, आप काफी लोगों के रोल मॉडल हैं और पूरे देश में आपको काफी ज्यादा एडमायर किया जाता है, तो जब आप अपने स्टडी पीरियड में थे तब मतलब आपका कोई रोल मॉडल या थे या थी? Yes, this is my मतलब I always say that this is my good luck or good whatever that is, good fortune that मुझे इतना 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 प्यार सबका मिलता है. Everybody loves me, admires me. वही मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है. I don't think मैंने ऐसा कुछ बड़ा किया है लाइफ में, but I thank everyone for all the love that they give me. When I talk about my own people who I took inspiration from,
आई थिंक रोल मॉडल बिल्कुल कभी ज्यादा मत मानिए किसी को, मुझे भी मत मानिएगा रोल मॉडल, सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, इंस्पायर होते रहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, साइंटिस्ट थे इतने फेमस, वो मुझे हमेशा से इंस्पायर करते थे. स्कूल में मैंने उनकी जो बुक्स होती थी, विंग्स ऑफ फायर एट्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट आई यूज टू रीड इन द स्कूल. तो मैं काफी मोटिवेट हुई थी उनसे कि इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके ही स्टडीड सो मच एंड वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. सो दैट वॉज वन पर्सन. उसके अलावा लॉट ऑफ वुमेन इन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, जैसे किरण बेदी मैम है, लेडी आईपीएस ऑफिसर, वंडरफुली कॉन्फिडेंट द वे शी कैरीज हर सेल्फ, मैं बहुत उनसे इम्प्रेस होती थी. तो वो हैं. उसके बाद स्पोर्ट्स में सानिया मिर्जा, शी इज देयर, आई ऑलवेज यूज टू गेट इंस्पायर्ड. उनका कहीं कोट पढ़ा था कि यू नो वैसे वो रिबेलियस वुमेन पे ही उनका कुछ कोट था, दैट अगर आप लोग आपको रिबेलियस वुमेन कहने लग गए हैं, सो थिंक दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज इफ यू आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग विच द सोसाइटी इज यू नो गोइंग अगेंस्ट, तो आप सोचे कि यू नो दैट इज समथिंग विच यू इफ यू आर डूइंग राइट देन डेफिनेटली यू शुड गो ऑन, यू शुड नॉट केयर वॉट पीपल थिंक अबाउट यू. तो शी ऑल्सो हैज इंस्पायर्ड मी अलॉट. तो ऐसा जो भी ऑल पीपल आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम, देर वॉज नॉट वन पर्सन बट अलॉट ऑफ पीपल. और हिस्टोरिकली स्पीकिंग स्वामी विवेकानंद यूज टू इंस्पायर मी अलॉट. स्वामी जी का एक कोट है विच आई हैड यू नो बहुत बड़ा सा लिख के आई हैड पुट इट ऑन माय इन माय रूम, स्टडी रूम, एंड द कोट इज समथिंग लाइक दैट दैट थिंक ऑफ एन आइडिया, टेक अप वन आइडिया, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट योर ब्रेन, योर मसल्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दैट इज द वे टू सक्सेस. ये उन्होंने कहा था, उनका एक कोटेशन था और ये मुझे बहुत इतना इम्प्रिंटेड है मेरे दिमाग में दैट इनिशियली जब मैंने प्रेप स्टार्ट की थी तभी मैंने इसको लिख करके अपने रूम में चिपकाया था, अभी तक मुझे जुबानी याद है क्योंकि मैं रोज उसको या ऑल्टरनेट डे पढ़ती थी. तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी इंस्पायर किया एंड यू शुड कीप रीडिंग दीज गुड कोट्स, गुड थिंग्स दैट मोटिवेट यू. एंड ऑल्सो एक चीज और कहूंगी मोटिवेशन के लिए, होता क्या है आजकल सोशल मीडिया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है या कुछ रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी लोग हैं, दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, राइट? सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव योर गोल, कनेक्ट योर सेल्फ एंड सराउंड योर सेल्फ ओनली विथ पॉजिटिव पीपल, दोज पीपल हु एड एनर्जी टू यू, दोज पीपल हु मोटिवेट यू, उन्हीं के साथ रहिए, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करिए. कुछ लोग जो आपको पुल डाउन करते हैं थोड़े दिनों तक, कहिए वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट विथ यू, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, राइट? बी अ लिटिल सेल्फिश इन दैट. अगर आप एक दिन सेल्फिश हो गए हैं खुद के प्रिपरेशन के लिए, लेट मी टेल यू दैट आप पूरे लाइफ जनरोसिटी के साथ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सराउंड योर सेल्फ ओनली विद पॉजिटिव पीपल, मीट ओनली पॉजिटिव पीपल, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स. आई वॉज वेरी लकी दैट मैं घर में प्रिपेयर कर रही थी, दैट आई हैड माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड मा, माई ब्रदर टू सपोर्ट मी, टू टॉक टू मी. प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहे लेकिन जनरली हम बात कर लेते तो आई यूज टू फील अ लिटिल मोटिवेटेड. सो टॉक टू द क्लोजेस्ट मेंबर्स इन योर लाइफ एंड दोज हु ऐड पॉजिटिविटी टू यू एंड देन यू कैन यू नो स्टे मोटिवेटेड. मतलब जैसे नहीं तो अपन इन जनरल देखते हैं कि बस ऑर्डर्स वगैरह पास करते हैं मतलब लोग, लेकिन आपने पर्सनली वहां पे बैठ के काफी मैं यहाँ पे यस आई एम हियर एज असिस्टेंट कलेक्टर, लेकिन मेरा ये प्रोबेशन पीरियड है तो दिस इज माय ट्रेनिंग फेज. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि कैसे काम होता है. सो जो मैंने ये पिक्चर्स शेयर की थी दैट वाज अबाउट अ प्रोग्राम कॉल्ड मेरा घर मेरा विद्यालय. ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ही है और मैं बस वहां देखने गई थी कि कैसे वो प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है एंड हाउ इज इट बीइंग रन. तो और क्योंकि एजुकेशन एज अ सेक्टर मुझे हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे लगता है कि इसमें काफी वर्क होना बाकी है, स्पेशली हमारे स्टेट, काफी मुझे लगता है इस हमारे स्टेट में इस पे वर्क होना बाकी है. तो एक पर्सनल इंटरेस्ट से मैं वहां गई थी और इसीलिए मैं उनके साथ बैठ करके आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी कि कैसे वो चीजें हो रही हैं. सो दैट इज द ओनली थिंग, है ना, वो ही बस ऑब्जर्वेशन के लिए है कौन देर. ओके मैम, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है द रिस्पॉन्सिबल यूथ फाउंडेशन, वो भी मतलब जो जो चीज आपने शेयर की है उन्हीं चीजों पे वर्क करने या तो कर रहा है या तो कोशिश कर रहा है, जैसे टीचिंग पुअर स्टूडेंट्स, फीडिंग पुअर,
और मतलब हंगर वगैरह इन सब पे, तो वही अगर आपकी हमारे लिए कोई सलाह मतलब आप दे दें कि हम क्या अच्छा और कर सकते हैं अपने उसमें तो. नहीं, आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट द रिस्पॉन्सिबल यूथ फाउंडेशन इन भोपाल इन माई सिटी इज डूइंग सच गुड वर्क. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर टीम, टू ऑल योर वॉलंटियर्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द यूथ हु आर इन्वॉल्व इन दिस विथ यू. एंड जैसा यू आर टेलिंग मी दैट यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड पैकेट्स, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग चिल्ड्रन स्टडी. तो क्योंकि एजुकेशन की मैंने बात की और क्योंकि आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं, मैं यही कहूंगी दैट कोविड इज अ टाइम दैट जहाँ पे इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट नॉर्मल स्कूल्स एंड वी डोंट नो व्हेन प्रॉपरली द स्कूल्स विल बी रिज्यूम्ड. तो इस वक्त पे स्पेशली इट इज इम्पॉर्टेंट दैट बच्चों की लर्निंग आउटकम्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है, अगर आप बच्चों के घर जा करके या फिर 3-4 छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अगर आप उनके साथ बैठ करके थोड़ा उनको रिवाइज करवा पाएं. उनको स्कूल से बुक्स तो मिली हैं, बट अगर उनको एक बार पूछ लें कि उनके पेरेंट्स को बताएं कि यू नो जस्ट सी इफ ही और शी इज लर्निंग, अगर एक बार बुक खोल के देख रहा है कि नहीं, थोड़ा ऐसा अगर आप मोटिवेशन उन बच्चों को जाकर के देंगे पढ़ाई के लिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस. एंड ऑल्सो बिकॉज अंडर प्रिविलेज जो बच्चे रहते हैं, जो थोड़े गरीब घर से होते हैं, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज आप डेवलप करिए और उनके घर पे जाके थोड़ा और उनको मोटिवेट करिए, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल. एंड कीप डूइंग दिस गुड वर्क. आई एम रियली ग्लैड एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू मैम. मैम प्रिपरेशन गैप जैसे काफी स्टूडेंट्स लेते हैं कि या तो ग्रेजुएट होने के बाद मतलब प्लान ये रहता है कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाएंगे, और मतलब काफी कम लोग ऐसे रहते हैं जो साथ में प्रिपेयर कर लेते हैं, या तो फिर कुछ लोग मतलब अपने जो मास्टर्स है उसको उस टाइम के लिए क्विट करके प्रिपेयर करते हैं, और फिर अगर यस मतलब काफी अनसर्टेनिटी रहती है कि मतलब जॉब्स तो लिमिटेड है नंबर ऑफ सीट्स वगैरह उसमें भी, तो फिर मतलब वो अपनी राह से भटक जाते हैं, तो उसके लिए मैम आपकी मतलब सलाह, टेकिंग अ जैसे गैप. आपने तो मैम यस कोई गैप नहीं देखो लिया, आपने तो सबकी 2014 स्टोरी, देखो सबकी 2018 स्टोरी, सबका लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. इफ यू सी माय स्टोरी, डोंट ट्राई टू कंपेयर योर लाइफ विद इट. नोबडी शुड डू दैट. इट इज वेरी अनफेयर. एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन जर्नी, है ना, आपका लाइफ का पाथ. और वेन आई वेंट टू द अकेडमी, आई मेट सो मेनी पीपल हु हैड सो मेनी डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस. और हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि किसी का बेटर है या किसी का कम है, ऐसा नहीं है. एवरीबडी हैज अ यूनिक लाइफ जर्नी. सो बिलीव इन योर जर्नी. इट्स ओके इफ यू हैव डन ऑल योर मास्टर्स, सब कर लिया, उसके बाद यू आर बिगिनिंग टू प्रिपेयर, इट इज फाइन. इट्स ओके इफ यू वॉन्ट टू आप हमारी YouTube चैनल LWF क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स तथा लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रेस आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।